Welcome to PWD. Let us tell you about PWD in brief. देश की धड़कन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की गणना आज विश्व स्तरीय शहरों में की जाती है। दिल्ली में फैली हजारों किलोमीटर की सुंदर सड़कों का जाल, शहर में फैले हुए फ्लाईओवर्स, पुल, अत्याधुनिक साज सज्जा से सुसज्जित और बेहतरीन नक्काशीदार इमारतें आज दिल्ली को एक अद्भुत आकर्षण प्रदान करते हैं, जिसे देखकर हर भारतीय और विशेषकर प्रत्येक दिल्ली वासी गौरवान्वित महसूस करता है। और इन सब का श्रेय एक ऐसे संगठन को जाता है जो दिल्ली का पर्याय बन चुका है और जिसे हम सब लोक निर्माण विभाग के नाम से जानते हैं, जिसे संक्षेप में PWD भी कहा जाता है। लोक निर्माण विभाग की नींव 25 जुलाई सन 1961 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार की एक प्रमुख एजेंसी के तौर पर रखी गई थी, जो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से लिए गए कर्मचारियों को लेकर शुरू हुआ था और जिसका मकसद प्रमुख तौर पर दिल्ली की आधारभूत संरचना के साथ साथ सामाजिक संरचना के विस्तृत निर्माण हेतु योजनाओं को बनाना, उनका क्रियान्वयन करना और साथ ही निर्मित संरचनाओं का विधिवत रख रखाव भी करना था। सन 1961 में शुरू हुआ ये स्वर्णिम सफर आज कई मंजिलें तय करता हुआ दिल्ली की सतत निर्माण प्रक्रिया का पर्यायवाची बन चुका है। इस फैलाव और प्रगति के दौरान PWD अपने छोटे से 100 करोड़ के बजट से आज 5000 करोड़ से भी ज्यादा के बजट व्यय पर पहुंच चुका है। एजेंसी की इस ग्रोथ स्टोरी में सबसे बड़ा इजाफा दो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों क्रमशः एशियन गेम्स 1982 एवं राष्ट्रमंडल खेल 2010 के दौरान हुआ, जब PWD ने भवन, स्टेडियम, फ्लाईओवर, FOB, सड़क एवं सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान कायम किए। दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत और वित्त पोषित स्कूल, अस्पताल, फ्लाईओवर, पुल, फुट ओवर ब्रिज, जेल, सरकारी इमारतें, कोर्ट या सरकारी आवास के निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग अन्य सरकारी विभागों के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सहायक की भूमिका निभाती है। लोक निर्माण विभाग दिल्ली सरकार के तकनीकी सलाहकार के रूप में भी काम करती है। On 53rd Foundation Day of PWD, I convey my hearty best wishes. I convey my good wishes to Engineer Chief of PWD, Chief Engineer and other engineering staff. I also expect and that they will have better delivery system by using the latest technology and new methodology to serve the Delhi better. लोक निर्माण विभाग के सभी कार्यों का संचालन और क्रियान्वयन जिस स्थान से होता है उसे लोक निर्माण विभाग के हृदय की संज्ञा प्रदान की जा सकती है और इस हृदय की धड़कन है PWD। PWD के मुख्यालय का यही वो सबसे महत्वपूर्ण खंड है जिसे PWD का मुख्यालय भी कहा जाता है। यहीं से टीम PWD विभाग द्वारा निर्मित व निर्माणाधीन सभी परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करती है और भविष्य की योजनाओं को अमली जामा पहनाती है। आज हम PWD के स्थापना दिवस में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस उपलक्ष्य में मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। PWD 1961 से अभी तक दिल्ली सरकार के लिए अग्रसर है। इसने यहाँ पर बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जिसमें बहुत लंबी रोड्स हमने तैयार की हैं। इसके अलावा हमने फ्लाईओवर्स, बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग बहुत बड़े अच्छे तरीके से कार्य किया है। मैं इस मौके पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जिस तरीके से अभी तक आपने कार्य किया है, वैसी ही लगन और ईमानदारी से आप आगे आने वाले समय में भी दिल्ली के विकास में अपना पूरा योगदान देंगे।
पीडब्ल्यूडी अपने इस स्वर्णिम सफर में एक जोन के प्रशासनिक ढांचे से बढ़कर 7 जोन में विभक्त हो चुका है। इनमें से 4 जोन निर्माण के रखरखाव के लिए रखे गए हैं, 2 जोन भवन निर्माण के लिए एवं 1 जोन फ्लाईओवर निर्माण और रखरखाव के लिए रखा गया है। ये टीम पीडब्ल्यूडी के प्रयासों का ही नतीजा है कि दिल्ली की सामाजिक व आधारभूत संरचना देश के लिए एक मिसाल बन चुकी है। दिल्ली पीडब्ल्यूडी इज प्रीमियर कंस्ट्रक्शन एजेंसी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। इट हैज बीन कंस्ट्रक्टिंग एंड मेंटेनिंग स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स एंड रोड नेटवर्क। इट हैज आल्सो प्रोवाइडेड मच रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दिल्ली by constructing and maintaining flyovers, elevated corridors, footover bridges and subway etc. It gives me great pleasure to announce that from the strength of few hundred staff and one zone, we have grown to 7 zone with manpower of 7,300 plus and an equivalent workload of rupees 5,200 crores. PWD undertake the projects and on turnkey basis from concept to completion and maintenance thereafter. PWD is making a continuous contribution to cause of sustainability by planning, designing and creating green buildings with minimum 3-star GRIA rating by making provisions such as water recycling, rainwater harvesting, effluent treatment plant, use of solar power and other measures. Tyagraj Stadium. Stadium mein lage solar panel. Chhatrasal Stadium. ITO flyover, मुबारका चौक, द्वारका और रोहिणी कोर्ट, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दिल्ली सचिवालय, पंजाब केसरी के समीप निर्मित सबवे यानी पैदल पार पथ और बारापूला पुल उन सैकड़ों उपलब्धियों में से एक है जो प्रमाण है पीडब्ल्यूडी की कुशल कार्यशैली, तकनीकी क्षमता और दूरदृष्टि का और जिस पर संपूर्ण दिल्ली को गर्व है। टीम पीडब्ल्यूडी ने इन सभी के रखरखाव की जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया है। इंक्रीजिंग ट्रैफिक इज द बिगेस्ट चैलेंज इन दिल्ली। टू कीप द सिटी मूविंग एंड इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ आवर रोड्स व्हिच हैव नंबर ऑफ व्हीकल्स परहैप्स मोर देन ऑल द व्हीकल्स अवेलेबल इन अदर मेट्रोज पुट टुगेदर वी हैव टू कंस्ट्रक्ट flyovers, underpasses and grade separated junctions. So far, Delhi PWD has constructed 76 flyovers, 29 underpasses and to provide safe and smooth passage for the pedestrians about 68 footover bridges. Right now, PWD has undertaken a major project of making the outer ring road signal free from Vikaspuri to Wazirabad. In this, we are constructing 3 stretches of elevated roads, which will be spanning to about average of 3 kilometers, and there will be some 4 flyovers, so that the entire stretch of 23 kilometers from Vikaspuri to Wazirabad becomes absolutely signal free. This will help people saving about 45 minutes every day in one journey. वर्तमान में लोक निर्माण विभाग कई परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। राष्ट्रीय और प्रादेशिक महत्व की इन सभी परियोजनाओं में विभाग द्वारा उपलब्ध अत्याधुनिक तकनीकों, कुशल कारीगरों और उत्कृष्ट सर सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। सड़क हो या फ्लाईओवर या फिर किसी इमारत का निर्माण करना हो, विभाग ने हमेशा ही नवीन तकनीकों को वरीयता दी है। विकासपुरी से रोहिणी तक बनाई जा रही एलिवेटेड सड़क कॉरिडोर भी तकनीकी एवं ट्रैफिक संचालन में सुगमता की दृष्टि से अद्भुत है। राजभवन हो या विधानसभा का प्रांगण या संपूर्ण दिल्ली, इसको सजाने और हरा भरा करने का श्रेय भी लोक निर्माण विभाग को ही जाता है। साथ ही इन्होंने पुरानी दिल्ली की लुप्त हो रही शानो शौकत को फिर से स्थापित करने का भी बीड़ा उठाया है। दिल्ली लोक निर्माण विभाग ने 761 स्कूल्स, 33 हॉस्पिटल, 87 डिस्पेंसरीज
और जो ऑफिस बिल्डिंग का जो एरिया है इनके पास में 4.5 करोड़ स्क्वायर फीट का इनके पास ये इनके क्रेडिट में है, और इसी तरह से रेजिडेंशियल एरिया इनका करीब 3 करोड़ स्क्वायर फीट है, और ये इस तरह से आगे दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहा है। और अभी जो इस समय जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें खास करके मंडोली जेल है, द्वारका कोर्ट है जो पहले बन चुका है, और अब इसमें न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाने जा रही है। विभाग ने संरचनाओं के निर्माण के साथ साथ लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए, लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए और साथ ही भविष्य की योजनाओं के बारे में समुचित रूप से जानकारी उपलब्ध कराने हेतु और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए ई गवर्नेंस को अपनाया है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इज यूजिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स एंड also trying to introduce the new techniques to see that this vast network of road is maintained in perfect condition and is able to give free flow of traffic of this city. विभाग ने विशेष रूप से ई पोर्टल को निर्मित किया है, जिसके द्वारा विभाग से संबंधित सभी जानकारी, विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले सभी टेंडरों के बारे में संपूर्ण सूचना सभी को आसानी से उपलब्ध होती है। जिस प्रकार पीडब्ल्यूडी ने पूरे दिल्ली प्रदेश की आधारभूत व सामाजिक संरचना से जुड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, उसी प्रकार विभाग ने अपने कर्मियों की जरूरतों और समस्याओं को बखूबी समझा है और इनसे जुड़ी जिम्मेदारियों को निभाने की पुरजोर कोशिश की है, जिसमें वो सफल भी रहे हैं। ये पीडब्ल्यूडी की कार्यकुशलता, दक्षता और दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि आज विभाग को अनेक राष्ट्रीय और प्रादेशिक सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, और आने वाले समय में भी विभाग के द्वारा ऐसी ही उत्कृष्ट कार्य क्षमता के प्रदर्शन की उम्मीद सभी दिल्ली वासियों को है। धन्यवाद।